नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक और मैं आपके साथ पवन शुक्ला लाइव हो चुका हूं एक बड़ी खबर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष पूर्वांचल कल्याण समिति द्वारा दुर्गा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आप जानते हैं कि पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है। पानीपत को नंबर बनाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के भाई हैं, जो कि कड़ी मेहनत करके इस पानीपत को आज उन्होंने एशिया का नंबर वन मार्केट बनाया है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूर्वांचल कल्याण समिति के तमाम सदस्य हैं, जो कि माता के परम भक्त हैं और जहाँ पर बात आती है भक्ति भाव की, वहाँ पर आपको पूर्वांचल के लोग सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे साथ ब्राह्मण देवता है, जो कि काशी विश्वनाथ जो बाबा की नगरी है वहाँ से चलकर यहाँ पर आए हैं, और पप्पू शर्मा जी हमारे साथ, जो कि पानीपत में सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं। जहाँ समाज सेवा की बात आती है सबसे पहले शर्मा जी का नाम होता है। ये बताइए, इस बार जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैश्विक जो महामारी है उसके आने के संकेत भी थी, इस बार किस तरह से पूरी रूपरेखा तैयार की गई है? हम लोगों ने कोविड को ध्यान रखते हुए जो है डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो है माता रानी का पूजा करा रहे हैं और जो है सारी जो है सुविधाएं अपने पास जो है हम लोग, ताकि जो है किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देश को जो है जो झेलने को मिला जो है, माता रानी कभी भी ऐसा ना करे कि जो हमारे देश के ऊपर ऐसा विपदा आपदा आए, ताकि हमारे जो है देश के भाइयों के लिए और किसी के लिए जो है ऐसा जो है संकट का जो है समय देखना पड़े। तो माता रानी से यही मैं चाहूँगा कि हे माता रानी, ऐसे जो है महामारी को अपने जो है ऐसे जो है दूर कर दो, ताकि हमारे देश में कभी किसी भाई किसी माता किसी बहन का जो है कभी आंचल सुना ना पड़े। इसके लिए मैं आपके चरणों में अरदास जो है पूरे पूर्वांचल समाज के तरफ से अरदास लगाना चाहता हूं और लगा रहा हूं कि कभी भी ऐसा देश के साथ ऐसा ना हो जो हम लोगों ने देखा, जो है माताओं एवं बहनों के जो है सुहाग छिन गए, किसी के पिता जो है भाई जो है सब लोग जो है नहीं रहे। तो मैं माता रानी से यही अरदास करूँगा अपने पूरे समाज के तरफ से और विनती कि ऐसा कभी भी जो है देखने को न मिले। जय माता दी। बिल्कुल, यहाँ पर पप्पू शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही और हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम। हम लोग पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, हमारे साथ यहाँ ब्राह्मण देवता है, तो सबसे पहले आपको दंडवत है। तो ये बताइए, लोगों में काफी कंफ्यूजन थी कि आज सप्तमी है कि अष्टमी है, और जो नवरात्रों में माता का व्रत करने से क्या कुछ लाभ की प्राप्ति होती है? हरिओम, आज पूर्ण रूप से सप्तमी है और दो तिथि कल लगी हुई थी, पंचमी और षष्ठी, और इस पूजन के माध्यम से हम इस साल हम सब मिल करके विशेष आराधना माता जी से है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे माँ, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका आनंदमय जीवन बीते, यह विशेष पीछे के व्यवस्था को देखते हुए इस साल विशेष रूप से माता से यही आराधना है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं ब्राह्मण देवता ने भी बहुत अच्छी बात कही, जैसा कि सनातनियों की परंपरा है और जो हमारा तीज त्यौहार है, इसी कारण हमारा जो देश है भारतवर्ष पूरे दुनिया में विश्वविख्यात रूप से प्रचलित है और यहाँ पर तमाम सदस्य हैं पूर्वांचल कल्याण समिति के। ये बताइए, आज देख रहे होंगे कि अब पूर्वांचल के लोग काफ़ी संख्या में, बात की जाए 60 से 70% लोग यहाँ पर रहते हैं, और इस तरह की रौनक है, हमें खुद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने गांव में आ गए हैं, तो कितनी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है? नहीं, हर साल के बाद इस साल भी 22वां दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए इस साल थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन उसकी हम लोग व्यवस्था किए हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। उत्साह में कोई कमी नहीं है, तो देख पा रहे हैं संख्या में काफ़ी थोड़ी बहुत कमी है, ज़्यादा भी नहीं कहेंगे हम, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर जो सरकार की गाइडलाइन है उसका भी पूरा पालन किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे डिस्टेंसिंग भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा पहले जय माता जी, और आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे पूर्वांचल कल्याण समिति की तरफ से। हम सब माँ के भक्त हैं और माँ के आशीर्वाद से ही पूजा मना रहे हैं, और यही हमारी हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल पप्पू जी, लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे पूर्वांचल के भाइयों को एक सूत्र में बांधने का भी काम करती है। हमने प्रयास यही किया है कि जो, क्योंकि 1998 में ये संस्था बनी थी पूर्वांचल कल्याण, जो कि अपने पीएन सिंह जो है मुख्य संस्थापक जो है, जिन्होंने एक बेड़ा उठाया था 1998 में कि हम जितने भी पानीपत के पूर्वांचल वासी हैं हम उनको एक सूत्र में एक धागे में पिरोएंगे और एक साथ रखेंगे। और प्रयास ये हम लोगों का हमेशा यही रहा है और यही रहेगा आगे भी कि हम लोगों ने एक धागे में पिरो करके एक साथ पूर्वांचल वासियों को रखेंगे। अपने जो है किसी तरह का कोई कभी भी कोई दिक्कत समस्या आएगी तो हम उसके साथ दिन रात खड़े हैं।
बिल्कुल, देखा अपने पप्पू शर्मा जी ने क्या कहा। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, माता रानी के चरणों में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित नमस्तस्य 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 नमो नमः। और हमारे साथ अभी मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।